Assalamu alaikum viewers, welcome to Leo TV. Turbo C ya C++ ke aaj first lecture ke saath hai mali chuktai. Viewers, aaj hum Turbo C ko istemal ke bare mein seekhenge. Intro main aapko bade chuka hu iska. Turbo C isme PC mein aap Google se download kar sakte hain. Ye dekhiye maine ki hui hai Turbo C++. Now main isko double click karke run karta hu. Ye dekhiye रन हो गया कुछ लाइक है मेरे पास एक छोटे सा बॉक्स डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें देखिएगा मैंने इसको ओपन किया और देखते हैं व्हाट हैपन नाउ इज ओपन ठीक है ये टर्बो सी का मैंने इंस्टॉल किया इसमें न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई आपने प्रोग्राम एग्जांपल ऑनलाइन देखनी हो तो यहां से आप इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं लाइक मैं फर्स्ट इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं इस पे फुल स्क्रीन मोड यहां पे क्लिक करूंगा ओके नाउ मैं स्टार्ट टर्बो सी पे क्लिक करता हूं ये देखिए टर्बो सी स्टार्ट हो रही है नाउ टर्बो सी स्टार्ट हो गई है और इसमें देखिए जब स्टार्टअप हुआ तो इसमें बहुत सारी उसने हमें ये विंडो सी ओपन कर दी है जिसमें ये प्रोजेक्ट हेलो का एक है एक ये वाला प्रोजेक्ट ओपन है देखते हैं इन प्रोजेक्ट्स में क्या पड़ा है कुछ भी नहीं है इसमें इसको लाइक इसको किसी भी विंडो को हमने क्लोज करना है तो मैं पीछे इंट्रो में बता चुका हूं लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं ये ग्रीन बटन एक नजर आ रहा है इसको माउस के साथ क्लिक करें तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी देखिए इसको मैं क्लिक करता हूं ये भी क्लोज हो जाएगी लाइक ठीक है ये किसने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है इसमें हेलो वर्ड्स का ये देखें क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड स्लैश एन गेट सी एच नाउ वाइड मेन स्टार्ट पे लिखा है इस प्रोग्राम को हम सिंपली रन करके देखते हैं नाउ इज कंपाइल क्विट ओ यस देखिए स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा नजर आ गया आपको व्यूअर्स ये इसमें छोटा सा एक सिस्टम था इसको मैंने बंद किया लाइक इसको मैं फिर दोबारा अभी इसको तो नहीं करता मैं इस पीछे वाली विंडोज पे जाता हूँ ये बैक वाली विंडोज मैंने बंद की हैं इनको मैं बंद करता हूँ पहले और हेलो वर्ल्ड वाली विंडो ओपन रहेगी इसमें देखिए हमने प्रोग्राम टाइप करना है अब मैं स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो 12 क्राफ्ट से स्टूडेंट्स हैं उनके सेकेंड पार्ट सी लैंग्वेज का है कंप्यूटर आईसीएस के और सी लैंग्वेज एक नॉट अ डिफ़िकल्ट वेरी इजीली यूजी टू यूज़ है और इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यू नो डैट कि आप जानते होंगे कि इसको 1972 में डेनिस रिचर ने ATN बेल लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया था और कुछ इंट्रोडक्शन तो आप बुक्स पढ़ के इसको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल सकती है ये अच्छा अब मैं इसको आपको इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ से मैं इसको क्रॉस का बताया ये एरो क्या करेगा इसकी स्क्रीन को फुल करेगा ये देखिए इसकी स्क्रीन फुल कर दी उसने हमें फुल शो हो रहा है स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विनेट चौधरी राइट फ्रॉम HTTP डेवलपर इनसाइडर .in नाउ ये उसने अपनी साइट का जिसने इसमें प्रोग्राम बना के रखा हुआ है जिससे मैंने डाउनलोड किया उसने अपनी साइट का एड्रेस ये आप भी नोट करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं टर्बो सी के प्रोग्राम्स और लेक्चर्स भी और सॉफ्टवेयर भी ओके व्यूअर्स नाउ इसका फर्स्ट मैच की बात करते हैं न्यू पे क्लिक करता हूँ ये देखिए न्यू आ गया इसमें और न्यू कभी उसी तरह इसमें सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा नो नेम 00CPP ये CPP फाइल डॉट एक्सटेंशन में इसका प्रोग्राम सेफ होता है ये बात इसकी जेन में रखिएगा CCP एक्सटेंशन में ठीक व्यूवर्स और यहाँ से इसको आप बढ़ा कर सकते हैं ये इसकी स्क्रॉलिंग है अगर आपने प्रोग्राम लेंथी है तो इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं अगर लेफ्ट राइट दोनों स्क्रॉलिंग आपको मिलेगी ठीक है 1 of 2 पेज है इसके पेज में ठीक व्यूअर्स मैं इसको क्लोज करता हूँ दाई कि इसमें देखिए फाइल पर जाऊँगा इसमें नेक्स्ट ओपन है सेव है सेव है सेव ऑल चेंज डायरेक्टरी प्रिंट डॉट शेल एंड द क्विट नाउ देखिए लाइक इसमें मैंने इसको क्लोज करता हूँ ये देखें ये मैं क्लोज किया अब यहाँ पे मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे बताएगा कि सी के प्रोग्राम्स कहाँ पे पड़े हैं लाइक इसमें मैं इसकी लाइब्रेरी चेक करता हूँ लाइब्रेरी में कोई प्रोग्राम कोई नहीं पड़ा यस नो इंक्लूड्स में तो नहीं होगा प्रोजेक्ट्स में चेक कर लेते हैं ओनली हेलो सी पड़ा है ठीक है इसके अलावा कोई नहीं है ओके व्यूवर्स नाउ मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम छोटा सा रन करके इसमें चेक कराया ये देखिए अगेन नाउ ठीक है हेलो वर्ड्स
और मैं इसको एस्केप की कर प्रेस करके वापस आ जाता हूँ। लाइक इसमें ये गेंद देख लीजिएगा, मैं इसमें कुछ चेंजिंग भी कर लेता हूँ। चलें मैं इसमें ये ख़त्म कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें वही दिखाएगा जो मैंने इसको दिखाया था। ठीक है, तो बस एस्केप की प्रेस के वापस आता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। वह मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू सेव नाउ, क्योंकि मैंने इसमें चेंजिंग की थी इसलिए मुझसे पूछ रहा है कि सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसे येस या नो, नो मैं नो कर देता हूँ तो एग्जिट कर देगा। ओके नाउ ये एक इसकी कंपाइलेशन विंडो है जहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल होता है। लाइन बताएगा हमें कौन सी लाइन पे वो कंपाइल कर रहा है, प्रोग्राम को चल रहा है। ठीक है व्यूवर्स, नाउ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में आपसे बात होगी और आगे आगे स्टेप बाई स्टेप इसमें हम आपको प्रोग्राम बनाना, इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं, किस तरह हम इसमें प्रोग्राम को बना सकते हैं, किस तरह प्रोग्राम चलाएंगे और रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, किस तरह इसकी फ़ाइल को सेव करते हैं, एग्जीक्यूशन फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं, और ये सारा कुछ आप इसको ये आपका इसमें बताया जाएगा। नाउ वेरी इजी टू यूज़ है, मैं आपको पहले बार बार यही बता रहा हूँ, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, बस इसको समझने की बात है। और आप सी लैंग्वेज को समझ कर एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आस।